कार्य भी उन्हीं के कार्यकाल का है, भुगतान भी उन्हीं के कार्यकाल का है। और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुझे जानकारी नहीं है, सरासर गलत है, सभी भुगतान उनकी जानकारी में हुए हैं। सुल्तानपुर में ग्राम प्रधान और सचिव के बीच तलवारें खिंच गई हैं। ग्राम प्रधान सचिव के ऊपर सरकारी रुपयों के गबन का आरोप लगा रहा है, तो वही सचिव ग्राम प्रधान को धोखेबाज साबित करने में लगा हुआ है। लेकिन ये सारा मामला यूं ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक पुख्ता वजह भी है, और वो वजह है सरकारी खाते से निकाले गए पैसे। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। ये मामला सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर विकासखंड के ग्राम सिवतरी का है, जहां की ग्राम प्रधान उषा वर्मा ने सचिव नीलकमल कनौजिया पर मनमाने ढंग से काम करने और उनकी बात नहीं मानने का आरोप लगाया है। साथ ही ग्राम प्रधान का आरोप है कि सचिव इलाके में उनकी बुराई करते हैं और उन्हें बेइज्जत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ये सब आरोप तो कुछ हद तक छोटे थे, लेकिन आगे बढ़ते हुए ग्राम प्रधान ने सचिव पर सरकारी पैसों का गमन करने का भी आरोप लगा दिया। ग्राम प्रधान उषा वर्मा के मुताबिक सचिव ने एक बार 9,750 रुपए तो वहीं दूसरी बार 3,27,000 निकाले, जिसकी जांच होना बहुत जरूरी है। ग्राम प्रधान के आरोपों के बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हमारे संवाददाता ने जब सचिव नीलकमल से बात की तो उन्होंने ग्राम प्रधान की बखिया उखेर दी। सचिव नीलकमल कनौजिया का साफ कहना है कि ग्राम प्रधान उषा वर्मा उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हैं और उषा वर्मा नाजायज तरीके से सरकारी धन निकालने की कोशिश कर रही थी, जिसका विरोध करने पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे पास कई ग्राम सभाएं हैं, जिले की सेवतरी की एक ग्राम सभा है जी। तो उनके प्रधान प्रतिनिधि जो उनके पति हैं, प्रधान पति, उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि बिना उनकी जानकारी के मेरे द्वारा धन की निकासी की गई है, जबकि ये आरोप एक सरासर गलत है। फाइलों पे साइन उनके प्रधान द्वारा किया गया है, सब समस्त भुगतान उनकी जानकारी में हुआ है, और जो भी वाउचर फीड हुआ है उनके द्वारा बैठकर कंप्यूटर ऑपरेटर से फीड कराया गया है, तथा उन्हीं के सामने उसका डोंगल भी लगाया गया है। उनका डोंगल भी प्रधान के पास ही रहता है, तो जो कभी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास दिए रहते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा उसके बारे में मालूम नहीं है, तो लेकिन वो काम खुद अपना सामने से ही करवाते हैं। तो जो भी भुगतान हुआ है, जिसने काम किया है उसी फर्म को भुगतान हुआ है। सचिव के मुताबिक ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है, और इसी निर्माण कार्य के दौरान ग्राम प्रधान रुपयों का गबन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका विरोध करने पर ही इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जब ये रुपए निकासी का मामला कब का है? ये रुपए निकासी का मामला इसी जुलाई माह का है। जुलाई माह का है। पिछले कार्यकाल में भी वही प्रधान थी और वर्तमान में भी वही प्रधान है। कार्य भी उन्हीं के कार्यकाल का है, भुगतान भी उन्हीं के कार्यकाल का है। और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुझे जानकारी नहीं है, सरासर गलत है, सभी भुगतान उनकी जानकारी में हुए हैं। अभी कुछ वक्त ही गुजरा है, गांव में ग्राम प्रधानों ने अपने अपने पद की शपथ ली। अभी तो ग्राम प्रधानों ने अपने अपने क्षेत्र में काम करना शुरू भी नहीं किया। ऐसे में इस तरह के गंभीर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होने से संबंधित विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इलाकाई लोगों का मानना है कि अगर इस तरह ग्राम प्रधान और सचिव में वाद विवाद चलता रहा तो इलाके में विकास क्या खाक होगा। ये खबर हमारे संवाददाता आलोक दुबे ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।